मुझे 21 डेज तक नॉन स्टॉप ट्रोल किया गया था. 21 डेज आई गेस इट्स क्वाइट इनफ कि बाबा बस मेरी बस हो गई है, मुझे नहीं जीना, आई विश कि मैं मर जाऊँ. ये नहीं था कि ऑल डेज में इन्वॉल्व होंगे. वर्ल्ड वाइड इंटरव्यूज हुए कि बीबीसी न्यूज़ क्या था, वॉइस ऑफ अमेरिका क्या था, एक हॉप चैनल है लंदन का वो क्या, ऑस्ट्रेलिया क्या, जर्मनी क्या, मतलब मैंने कोई ऐसा ममालिक नहीं था जहाँ मैंने इंटरव्यू ना दिया बॉर्डर शेवन पे. कहीं भी जाने का शौक है बट मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी कि दैट आई एम नॉट सेफ इन पाकिस्तान. आई लव माई पाकिस्तान, आई एम वेरी सेफ इन पाकिस्तान. जिंदाबाद. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट कासिम राना और आज हमारे साथ मौजूद हैं अलीना फातिमा. अलीना के 1 मिलियन हो चुके हैं टिकटॉक पर और इंस्टाग्राम पर भी 80K क्रॉस कर चुकी हैं, लेकिन इनका ये जर्नी रहा कैसा और यहां तक ये कैसे पहुंची, उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं. और हाँ, एक चीज़ बता दूँ, आज हमने इनको थोड़ा सा परेशान किया क्योंकि ये बेड रेस्ट में थी, लेकिन फिर भी हम आ गए इंटरव्यू करने के लिए क्योंकि ये कल जा रही हैं पाकिस्तान. तो अलीना वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट भी किया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर चैनल एज वेल. तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने जब पहली बार कैमरा फेस किया तो उसके बारे में एक्सपीरियंस बताइए, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म हो. पहली बार कैमरा फेस तो मैंने बहुत ही छोटी एज में किया था. अगर बहुत बैक पर जाएँ तो मैं 2008 से मीडिया पे थी कि लाइक किसी ना किसी ना किसी शो में जाके बैठी हूँ, किसी ना किसी तरह कुछ ना कुछ मैं कर ही रही थी. और फिर 2016 में मैंने बाय प्रोफेशन एज अ मेकअप आर्टिस्ट काम स्टार्ट किया. तो मैं काफ़ी सारे शोज में, मॉर्निंग शोज में एज अ गेस्ट गई हूँ, कॉम्पिटिशन्स में गई. तो मेरे लिए कैमरा फेसिंग कुछ न्यू नहीं था. तो सोशल मीडिया मेरे लिए बहुत पहले से था, बट ये जैसे अपना टिकटॉक बोला 1 मिलियन, ये कुछ नया था. और उस टिकटॉक से डब स्मैश था, फिर म्यूज़िक लिया आया, फिर जो है टिकटॉक आया, तो वो कुछ न्यू था. बट वो भी मेरी प्राइवेट लाइफ की हद तक था. वो सडन बस एक क्लिक था जो प्राइवेट से हट के पब्लिक हुआ और उसने हिट मार दिया. क्या बात है. सो ये अभी हम ऑफ द कैमरा जो है डिस्कस कर रहे थे उस मोमेंट के बारे में भी कि वीडियो तो इनकी वायरल हुई. हमेशा जब भी आपकी वीडियो वायरल होती है तो आप बहुत खुश होते हैं, लेकिन ये उस वीडियो को वायरल होने के बाद डिप्रेशन में चली गई. लेकिन ऐसा क्यों हुआ, इसी के बारे में हम जानेंगे खुद अलीना से. तो थोड़ा अपनी उस वीडियो के बारे में भी बताइए जो वायरल हुई लेकिन आप खुश नहीं हुई. अच्छा, सब लोग कहते हैं कि पब्लिकली डाल दी तो पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई. मुझे ये बात नहीं समझ में आती कि किसी की भी अपीयरेंस पे लोगों को क्यों जज किया जाता है. मुझे ये आज तक नहीं समझ में आया कि कोई गोरा है तो गोरा क्यों है, कोई काला है तो काला क्यों है, कोई मोटा है तो मोटा क्यों है, कोई दुबला है तो दुबला क्यों है. लाइक मुझे जो वायरल किया गया मेरी हेल्थ पे किया गया, मेरे वेट के ऊपर किया गया. तो मैं उस वक्त डिप्रेशन में इसलिए चली गई थी काफ़ी 15 दिन तक, जबकि लोगों ने मुझे कहा कि अलीना तुम्हें उस टाइम पर ना अपने आप को एक्टिव रखना चाहिए था, तुम उसी वक्त मिलियन क्रॉस कर दी. मेरे मिलियन तो अभी लास्ट ईयर जाकर हुए हैं. तो मैंने उस वक्त बहुत ज़्यादा दिल पर ले लिया कि अम्मी क्या गुनाह हो गया मोटा होना, मुझसे कोई गलती हो गई. क्योंकि मैं आपको एक जनरल बात बताऊँ, शायद मेरी बात से काफ़ी लोग एग्री ना करें कि ये भी अल्लाह ताला के हाथ में, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत खाते हैं बिल्कुल ऐसे ही, बट वो मोटे नहीं होते. सही बात है. उनकी खुराक बहुत अच्छी होती है. और जो मुझ जैसे लोग होंगे ना इस वक्त हेल्दी से, वो इस बात को समझेंगे, जो वो कुछ नहीं भी खा रहे होंगे उनका वेट गेन हो रहा होगा. ऐसा ही है. तो मुझे यहाँ लगता है कि यहाँ भी उसकी ही मसलियत होती है कि उसने रखी हर बॉडी को कि किसको बढ़ना है किसको नहीं बढ़ना. तो मैं मोटी हूँ तो मम्मी मैंने क्या गुनाह कर दिया, मुझे क्यों मतलब एक जानवर से तशबीह दे दी. और बकरीद का दिन था, उन दिनों सीजन चल रहा था, तो बड़ा गंदे तरीके से ट्रोल किया गया. मैं साइड हुई, बहुत सब कुछ छोड़ दिया और डिप्रेशन में चली गई. और मैंने बताया भी था कि मेरा ये आराम था कि मम्मी मुझे जीना ही नहीं है, आई डोंट वांट टू लिव, मुझे नहीं रहना. और मेरे बाबा उसी टाइम पे रिसेंटली पैरालाइज्ड हुए हुए थे, 2 मई था, 7वां रोज़ा था. तो वो दिन तो हम वैसे ही नहीं भूल सकते. बट अनदर साइड, जब वो 15 दिन से बाहर आई, मैंने एक टीवी शो किया, उसके बाद मैं मज़ीद ट्रोल हुई. मुझे अच्छे से याद है और मैं कभी नहीं भूलूंगी, मुझे 21 डेज तक नॉन स्टॉप ट्रोल किया गया था. 21 डेज आई गेस इट्स क्वाइट इनफ. अच्छा, दो बातें हैं. एक तो नादरीन आपके साथ करना चाहूँगा कि बाज़ुकात आपका कहा हुआ एक जुमला किसी को कितनी तकलीफ पहुँचा सकता है, या आपका किया हुआ एक छोटा सा अमल किसी को कितनी तकलीफ पहुँचा सकता है, आपको इसका अंदाज़ा ही नहीं है. और दूसरा इसी के साथ ये भी सवाल है कि जब आप के साथ ये हुआ, आपने एक वीडियो डाली और वो बकरा ईद का एक सीज़न था. अच्छा, मैं बात काट रही हूं, मैं इससे पहले मूवी करके आ चुकी थी, दम मस्तम जो अभी रिलीज हुई है 2022 में, मैं वो करके आ चुकी. जो लोग कहते हैं सस्ती शोहरत के लिए इसने खुद वीडियो बनाई, तो भाई मुझे आप लोगों की ऐसी शोहरत चाहिए भी नहीं थी. वो तो शायद मैं नसीब में था
कि अल्लाह पाक ने इज्जत देनी थी, क्योंकि इन अदर साइड मुझे बहुत इज्जत मिली, मेरे सर्किल के जो लोग थे उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, और मुझ जैसे लोग बार बार नहीं कह रही कि वो मुझसे रिलेट करते हैं जो हेल्दी हैं, जो इस चीज़ को फेस करें कि लोग उनसे दोस्तियाँ नहीं करते, उनके साथ पिक्चर्स नहीं बनवाते, उनको एक सर्किल में नहीं रखते, तो उस चीज़ को बहुत रिलेट करते हैं, तो मुझ जैसे लोगों को बहुत हिम्मत मिली। मैं उसी तरफ आ रहा था, मैं वही आपसे सवाल करना चाह रहा था कि ये जो आपके साथ हुआ, तो फिर 20-21 दिन आप डिप्रेशन में रहीं, तो ऐसी कौन सी चीज थी जिसने आपको मोटिवेट किया, और आप किस तरह से फिर उस डिप्रेशन से निकली? आपने बोला नहीं भाई, जो हुआ सो हुआ, पर मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है। अब्बा इसी तरह एक बेड था, उस पर लेटे हुए थे, बताया आपको पहले ही मानता हूँ पैरालाइज्ड हुए हुए, तो मैं बहुत रो रही थी कि बाबा बस मेरी बस हो गई है, मुझे नहीं जीना, आई विश कि मैं मर जाऊँ, ये वो, मैं मतलब इतनी डिप्रेस थी। मैं मम्मा बाबा से बात करी मैंने, और मेरे पापा की लेफ्ट साइड उस वक्त बिल्कुल भी काम नहीं करती थी, तो उनको उठाने के लिए 3 बंदों की ज़रूरत पड़ती थी, उन उठा के पापा ने कहा मुझे बिठाओ, हमने बिठाया तो पापा ने राइट साइड से मुझे यूँ गले लगा कहा तुम्हें किसी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं, तुमने कुछ गलत नहीं किया, जो जो बोल रहे उसको बोलने दो, बी प्राउड ऑफ यू, क्या बात है, और तुम अब मजीद वीडियोस बनाओ, अब तुम मजीद इसमें इन हो, और तुमसे जो लोग जुड़ रहे हैं ना उनको मोटिवेट करो। तो फिर जब जाके मैंने एक हैशटैग बनाया, प्राउड टू बी चबी। प्राउड टू बी चबी, यानी ये एक आर्ट होता है कि आपने लेट डाउन नहीं होना, बल्कि अगर आपकी कोई कमजोरी है भी उसे अपनी ताकत बनाना है आपने। तो इसके बाद आपके बहुत सारे इंटरव्यूज भी हुए, बहुत सारे चैनल्स ने आपके इंटरव्यूज किए इसी मुद्दे को लेकर, exactly, बॉडी शेमिंग, उसके बारे में अपनी जो है राय दें, किस किस ने किस किस तरह से इंटरव्यू लिया, और उसमें किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा? उसके बाद बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि मामला इतना सीरियस, लाइक मुझे तो मेरी हद तक सीरियस है, मुझे ये नहीं था कि और लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। वर्ल्ड वाइड इंटरव्यूज़ हुए कि BBC न्यूज़ क्या था, वॉइस ऑफ अमेरिका क्या था, एक हॉप चैनल है लंदन का वो क्या, ऑस्ट्रेलिया क्या, जर्मनी क्या, मतलब मैंने कोई ऐसा ममालिक नहीं था जहाँ मैंने इंटरव्यू ना दिया बॉडी शेमिंग पे, और काफ़ी जगहों से बहुत सारी वीमेन एम्पावरमेंट पे जो उनकी NGOs कहेंगे वहाँ से मैसेजेस आ रहे थे कि आप ये बोल दें TV स्क्रीन पे, अच्छा, और तो हम आपको फला ममालिक बुला लेंगे, ठीक है, दैट यू आर नॉट सेफ इन पाकिस्तान, आपको लाइक इस तरह कहा जाता है और ये वो, आपने सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश की, तो आप बस आपने ऑन स्क्रीन ही बोलना है हम आपको यहाँ बुला लेंगे। तो मैंने कहा नहीं, पाकिस्तान के लिए नहीं बोलूंगी, भले मुझे कहीं भी जाने का शौक है, बट मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी कि दैट आई एम नॉट सेफ इन पाकिस्तान, आई लव माई पाकिस्तान, आई एम वेरी सेफ इन पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद जी, पाकिस्तान जिंदाबाद, कितनी प्यारी बात की है इन्होंने। So, ये आपका जर्नी चल रहा था, आपने फिल्म भी की द मस्तम, उसके बाद आपने बकायदा तौर पर जब बहुत सारे शोज में भी आप गई, आपने वीडियोस भी बनाना शुरू की, तो अपने टिकटॉक की जर्नी के बारे में बताइए कि आप किस तरह की वीडियोस बनाती हैं, और रिसेंटली आप जो है यूट्यूब पे भी एक्टिव हो गई हैं, सो दोनों की एक्टिविटीज के बारे में हमारी नाज़रीन को बताइए। मैं यूट्यूब पे जो है डेली व्लॉगिंग मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया, वरना उससे पहले मैं बस स्पेशल मोमेंट्स को कैद कर लेती थी कि घर से शुरू किया घर तक लगे सफर खत्म किया, बट बहुत मेरी फैमिली ने फोर्स किया, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, मेरे मॉम डैड अगर वो ना हो तो मैं कुछ भी ना हूँ, तो उन दोनों ने कहा बेटा तुम्हें लोग जानते नहीं, उनको मौका दो तुम डेली व्लॉगिंग करो, उनको पता चले कि सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती हैं, अगर वो मीडिया पे काम भी करती हैं तो वो घर भी देख रही होती हैं, तो उनको दिखाओ कि तुम क्या हो। बिल्कुल, तो फिर मैंने उनके कहने पर डेली व्लॉगिंग स्टार्ट की, एंड अदर साइड टिकटॉक में बहुत कम कर दिया मैंने अब, क्योंकि वो मैं शौकिया करती हूँ खाली, ठीक है, और उस पर मैं मोस्टली सॉन्ग्स पे वीडियोज बना रही होती हूँ या किसी डायलॉग्स पे काइंड ऑफ एक्ट कर लेती हूँ, दैट्स इट। तो अभी आप घूमने के लिए भी जा रही हैं बाहर वाले, कौन कौन से मुल्क जा चुकी हैं, वहाँ कैसा कैसा एक्सपीरियंस? मैंने पाकिस्तान एक्सप्लोर किया काफ़ी हद तक, और मुझे ट्रैवलिंग का बेइंतहा शौक है, तो ये मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था, इससे पहले उम्रे पे तो मैं ज़रूर गई हूँ माशाल्लाह से, बट उस वक्त एक यूट्यूब का मुझे आइडिया नहीं था व्लॉगिंग का, और अगर मैं जाती भी उस वक्त तो आई गेस मैं उन चीज़ों का कैप्चर नहीं करती, मैंने बहुत कम पिक्चर्स थी कि उस जगह पे जाकर मैंने पोस्ट किए, मैंने सोशल मीडिया पे सारे पिक्चर्स पोस्ट नहीं की क्योंकि मुझे अति मुनासिब नहीं लगा था, वहाँ जाके मुझे अपना आप खुद करना था, तो मैंने बहुत पिक्चर्स और वीडियोस बनाई हैं कि मेरा मोबाइल जो फुल था, बट वो मैंने अपनी हद तक रखी थी, सिर्फ मेरे ख्याल से 5 या 6 बमुश्किल पिक्चर्स होंगी मदीने की और मक्का की जो मैंने शेयर की थी। सही, तो अभी जो है मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था, जहाँ से मैं बाकू विजिट किया, मैंने बड़ा एक्सप्लोर किया, बड़ा मज़ा आया, और अभी दुबई में आपके साथ मौजूद हूँ, अगले कल मेरी वापसी, तो हम 3 दिन से थे ऑलरेडी दुबई में। सो फाइनली वो मोमेंट जब आपका टिकटॉक पे 1 मिलियन पूरा हुआ, वो फीलिंग जरा शेयर करें, वो कैसी फीलिंग? वो फीलिंग क्या बताऊँ, हम लोगों ने एक्चुअली सेलिब्रेशन 1 साल पहले कर ली थी क्योंकि हमारे मिलियन ऑलमोस्ट होने वाले थे, सडनली मेरे अकाउंट को इतनी रिपोर्ट किया, तो वो मेरा अकाउंट स्टक हुआ,
फ्रीज हुआ और जो मेरे फॉलोअर्स 9,93,000 समथिंग थे वो बैक होना शुरू हो गए। और हम लोग इसमें देखिए, मैं क्योंकि पाकिस्तान टूर पे थी तो मैं कहा यार मेरा चैनल तो अकाउंट बड़ा उड़ गया है, ये तो मैं पहुंचूंगी पाकिस्तान कराची पहुंचूंगी, मिलियन क्रॉस होंगी पूरे। एक बड़ा अच्छा सा हमने इवेंट किया, बहुत ह्यूज इवेंट किया, जिसमें हमने बसंत भी की थी, 1M सेलिब्रेशन की। हमने कहा सो जाएंगे, हमने 3 मार्च से जो 28 मार्च तक है अब हो रहे हैं वो 28 मार्च हो गए, इवेंट हो गए, 1 मिलियन नहीं हुए। तो हमारी एक्साइटमेंट फिर ख़त्म हो गई। फिर एक साल बाद जाके मेरे जब 1 मिलियन हो ना, तो आई वॉज लाइक ओके फाइन होगा तो क्या करें। अब वो एक्साइटमेंट नहीं थी तो बस हाँ खटाई में पड़ गया वो सारा। हाँ वो सारा मजा खराब हो गया, तो बस हमने रैंडम बस 1 पकड़ा, M पकड़ा, पिक्चर ली, डाल दी, हैप्पी 1 मिलियन, दैट्स इट। कोई सेलिब्रेशन नहीं भाई, फिर करेंगे। अभी तो आपने एक लंबा सफर तय करना है, ये तो सिर्फ आगाज है। सो आप हमारी जो ऑडियंस है उनको अपनी टिकटॉक की आईडी और अपनी यूट्यूब की आईडी बारे में बताएं, ताकि ये आपके चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब करें। अलीना फातिमा और अलीना फातिमा व्लॉग्स, मतलब कहीं भी आप सर्च करेंगे तो अलीना फातिमा के ही नाम से मिलूंगी। बस नाम की स्पेलिंग का थोड़ा डिफरेंस है कि ALLENA, अलीना फातिमा। क्या बात है, जबरदस्त। So, बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ मिलके। थैंक यू सो मच। और आपके आपने जो अपना जो एक्सपीरियंस बयान किया उसके बारे में, और मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि कोई ऐसा अमल ना करें, कोई ऐसा जुमला ना कहें जिससे किसी की दिलाजारी हो, जिससे किसी को तकलीफ पहुँचे। और बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाएं। थैंक यू सो मच। साथ ही जो है वो हमें दीजिए इजाज़त। आप भी हमें दीजिए इजाज़त इन अल्फाज के साथ कि अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे होगी मुलाकात नए इंटरव्यू के साथ, नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह नी के बांध।